हेलो मित्रों, आज मैं दीपावली के दिन आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। देश में चारों तरफ आज दीपों का पर्व, दीपावली की धूम मची हुई है। हमें अपनी त्योहारों की खुशियों के बीच कुछ दुखद खबरें भी आ रही हैं सीमाओं से, सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां हमारे वहां के लोकल निवासियों के फसलें तैयार हैं, खेतों में कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ दुष्ट पाकिस्तान के द्वारा हमारी सीमाओं पर भारी बमबारी की जा रही है। बीएसएफ और हमारी सेनाओं के जवानों के द्वारा उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैं उन सैनिकों को, जो कि हमारे देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ के लोकल नागरिकों को, जो कि इस बमबारी के बीच भी अपने आप को जीवित रखे हैं और हमारे सैनिकों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनको बल दे रहे हैं कि आप लड़ो, आगे बढ़ो। सैनिकों, आप सबको नमन है मेरा, आपको प्रणाम है मेरा, और मैं अपने समस्त देशवासियों की ओर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। हम आज अपने घरों में पटाखे नहीं छोड़ेंगे, कारण कि ज्यादातर पटाखे प्रदूषण फैला रहे हैं। दूसरी तरफ विदेशों से पटाखे आ रहे हैं, चाइना के द्वारा हमें प्रॉक्सी वार किया जा रहा है, हमारे देश के खिलाफ तरह तरह की गतिविधियों को वो बढ़ावा देते हैं, जिसका मैं निंदा करता हूँ और देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे विदेशी पटाखों का बहिष्कार करें, विदेशी सामानों का बहिष्कार करें। मैं स्वयं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि मेरे देश की संपत्ति दूसरे देश की खुशहाली करे। मेरे देश की संपत्ति, मेरे देश का पैसा मेरे देश के लोगों के काम आए। मैं आज मिट्टी के दिए ही जलाऊंगा, अपने घरों में अपने हाथों से बनाई हुई लड़ियों को लगाऊंगा, जिससे कि मेरा घर रोशन हो। मेरा घर रोशन हो, साथ साथ उन सैनिकों को भी नमन करूंगा जो कि देश की सीमाओं पर लड़ रहे हैं। साथ साथ कुछ सैनिक शहीद हुए हैं, उन सैनिकों के लिए मेरी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। मैं उनके परिवार को, उनके बच्चों को हौसला देने के लिए समस्त देशवासियों से अपील करूंगा कि वे उनके दुख में शरीक हों और पटाखे कम से कम जलाएं, जिससे कि उन पैसों से उन सैनिकों को मदद की जा सके। कुछ ऐसा कार्य हम लोग करें। धन्यवाद।